हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अक्टूबर का आज 29 है डेट, और मेरी छत बगिया का कुछ इस प्रकार का दृश्य है। पूरी मैंने बेलें सब हटा दी हैं, और विंटर प्रिपरेशन में क्या क्या मैंने बोया है तो वो सब मैं आपके साथ साझा करूंगी, तो बने रहेगा वीडियो में। आइए चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरी गोल लाल मूली है, बहुत स्वादिष्ट ये होती है, और भरपूर ये आयरन से होती है, कैल्शियम से होती है, और इसमें जो है वाटर भी फुल ऑफ वाटर होती है ये, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ये दुरुस्त रखती है सर्दियों में। तो अगर आप एक बार इस लाल मूली को खा लेंगे तो आप सफ़ेद मूली खाना भूल जाएंगे, इतना इसका स्वाद है। और ये लहसुन भी देखिए बढ़िया अच्छे से ग्रो हो गई है मेरी, और चटनी लायक तो हो ही गई है, और बनाई भी है मैंने कल इसकी चटनी। तो यहाँ पर लहसुन है, और साथ ही में इसमें बीच में उग गए हैं वो, और बीच बीच में यहाँ पर उगाया है बथुआ खुद से ही, क्योंकि बथुआ लास्ट ईयर था मेरे गार्डन में, तो उसके सीड्स मैंने यूँ ही सारे यहीं क्यारी में डाल दिए थे, तो अब एक खुद से उगाए हैं। देखिए मूली तो बहुत हो रही है, लेकिन हार्वेस्ट उतनी ही करूँगी जितनी एक दिन में कंज्यूम हो जाए, नहीं तो ये नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और साथ ही में यहाँ से कुछ हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चें भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं पेड़, लेकिन कुछ जो हैं तो उन पर लग रही हैं अभी, तो फिर मैंने सोचा कुछ हार्वेस्ट कर लूँ, और लहसुन और धनिया पुदीना लेकर के बनाऊँगी फिर से चटनी। तो बहुत स्वादिष्ट चटनी अपने घर की बनती है फ्रेंड, अगर अपने घर में आपका धनिया पुदीना और लहसुन हरी मिर्चें हैं तो बहुत ही अच्छी हरी चटनी बन जाती है। तो ये मैंने यहाँ से ले ली है इतनी सारी, कुछ लंबी कुछ गोल हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मेरे पास जो है, जब ये लाल हो रही थी तो काफ़ी सारा मेरे पास इसका कलेक्शन हो गया था, लगभग जो है 1 kg के आसपास मैंने ये कलेक्ट कर ली थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से ले रही हूँ कुछ लेट्यूस, तो लेट्यूस ये मैंने सीड से ग्रो करे थे, और अब देखिए कितनी अच्छे जो ये हार्वेस्टिंग के लिए हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्लांट हो रहे हैं इसमें एक ही कंटेनर में। तो सोच रही हूँ कि कुछ इधर उधर करके जो है मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगी, और कुछ को मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, कुछ को मैं हटा भी दूँगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड तो फिर जो है ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। यहाँ से ले लूँगी थोड़ा पुदीना, और पुदीना भी जो देखिए अब अच्छा सा ये होने लगा है। सर्दियों में मोस्टली वैसे पुदीना सूख जाता है, लेकिन मैंने दिया इसमें एक स्पेशल फर्टिलाइज़र, और जिससे ये पुदीना फिर से इस पर नई ग्रोथ आने लगी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो शेयर कर दूँगी आपके साथ कि मैंने वो कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें दिया था जिससे कि जो है पुदीना इतना अच्छा ग्रो हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ से पुदीना ले लिया, हरी मिर्चें ले ली, और हरा लहसुन ले लिया, और अब इसके बाद थोड़ा सा ले लूँगी हरा धनिया, और बहुत स्वादिष्ट, बहुत फुल ऑफ आयरन एंड पूरे पोषक तत्व तो इसमें पूरे होते हैं, तो बहुत ही अधिक स्वाद आता है घर की चीज़ों से। ये देखिए, तोड़ते तोड़ते इतनी खुशबू है कि पूरे उसमें खुशबू फैल गई है। और ये धनिया मेरा देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, और कुछ मैंने थोड़ा पहले इसमें डाल दिया था तो इस पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। इस पर कई बार जो है मैंने हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर धनिया, मेथी, और ये दोनों कस्तूरी मेथी है मेरी, इतने अच्छे से ग्रो हो रही हैं। इस पर जो है लाल मूली मैंने और डाल दी, ये पुदीना, तो बहुत अच्छे से सभी कुछ ग्रो हो रहा है छत पर। और अगर अभी तक आपने नहीं बोई ये सारी सब्जियां तो आप भी बो डालें। और ये देखिए, ये मेरे वाइट बैंगन, और वाइट बैंगन बहुत स्वादिष्ट हैं ये। ये देखिए अभी तोरी अभी भी मेरी लगी रही हैं, तो ये एक ही बेल थी जो मैंने रहने दी, और बस इसको मैंने इस तरीके से जो है एक लंबी लंबी बांस की डंडियाँ ले ली दो, और उन पर मैंने इसको हैंग कर दिया। देखिए इस पर फ्लावरिंग अभी भी हो रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से देखिए मेरा टमाटर का प्लांट, और छोटा सा ये मेरा प्लांट है, लेकिन इस पर देखिए कितनी बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है, और साथ ही में और भी बहुत सारे प्लांट हैं तो उन पर भी जो है फ्रूटिंग हो रही है, कुछ पर नहीं हो रही है अभी, कुछ पर होने लगी है। तो इस तरीके से जो है ये मेरा सारा यहाँ पर प्लांट का टमाटर का सेक्शन है, और बहुत बढ़िया से जो है इस पर टमाटोज हो रहे हैं। बाकी यहाँ पर उग रही हैं पालक, कल मैंने हार्वेस्ट कर ली थी पालक, कुछ और है अभी हार्वेस्ट करने के लिए। और इस पर कस्तूरी मेथी यहाँ से मैंने हार्वेस्ट कर ली थी, काफ़ी सारी मैंने बो रखी, और लाल मूली, और ये मेरा बैंगन का जो है मैंने कर ली थी हार्ड ट्रूनिंग, और अब इस पर नई नई ब्रांचेज आ रही हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसकी हार्ड ट्रूनिंग कर ली थी, और यहाँ से मैंने इसके ट्रूनिंग करके, यहाँ से ट्रूनिंग करके, और अब इस पर नई नई ब्रांचेज आ रही हैं, और बढ़िया इस पर फ्रूटिंग होने को है। साथ ही में ब्रोकली के मेरे, ये मैंने सीड से ग्रो करी थे ब्रोकली, लेकिन जो है सीड भी, खैर मेरे पास 10 से 15 सीड रहे होंगे, तो उसमें से 6-7 मेरे प्लांट निकल आए थे,
तो 6-7 प्लांट मैंने रिपोर्ट कर लिए, बस अब ब्रोकली का इंतज़ार। और साथ ही में पीछे जो है मेरे हो रहे हैं यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी ये मेरे लास्ट ईयर के हैं, तो ये मैंने किसी तरीके से सेव कर लिए थे और इस पर बन गए हैं 2 प्लांट। तो इन दोनों को मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ अलग अलग जगह, तो ये मेरे 2 प्लांट अलग अलग बन जाएंगे और काफ़ी अच्छी मेरी फ्रूटिंग हो जाएगी। साथ ही में ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरी कुछ आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग। 2 मैंने रेड मूली ले ली है, कुछ मैंने बैंगन ले लिए हैं और ग्रीन बैंगन, साथ ही में ये 4 मेरे वाइट बैंगन, और ये अंडे जैसे लग रहे हैं मुझे तो, और साथ ही में ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और लेट्यूस। तो बस आज के लिए इतना ही, होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर।